आम आदमी के साथ उद्योग जगत भी इस बार बजट में टैक्स छूट की उम्मीद लगाए बैठा है। उद्योग संगठनों ने सरकार से मांग की है कि कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कमी की जाए। मौजूदा आर्थिक माहौल, कमजोर निवेश, नौकरियों में कमी, नकदी संकट के बीच जानकारों का मानना है कि सरकार को कॉरपोरेट टैक्स में कमी का फैसला करना चाहिए। जो 25% का टैक्सेशन 250 करोड़ से ऊपर की कंपनियों पर लगता है, वो 250 करोड़ की लिमिट खत्म कर टैक्सेशन को यूनिवर्सली 25% किया जाए। कारोबारियों का भी मानना है कि नए निवेश से कारोबारी अब कतराने लगे हैं। पहले जहां निवेश की रकम 5 से 6 साल में निकल आती थी, वहीं अब इसे निकालने में लंबा वक्त लगता है। ऐसे में टैक्स में कमी करके सरकार नए उद्योग लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर सकती है। जो भी कम होगा टैक्स, वो आज इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट देगा। आज जिस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके के खर्चे बढ़ गए हैं, आज किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए जो भी आज इन्वेस्टमेंट्स हैं पुराने टाइम के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा हो गई हैं। उस हिसाब से मार्जिन्स के अंदर ROI आज नहीं आता है और रिटर्न बिल्कुल भी नहीं है। पहले किसी भी इन्वेस्टमेंट, जो इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट होती थी, वो 5 से 6 साल में पे बैक हो जाती थी, आज वही 10 से 12 साल में होती है। इंडस्ट्री के प्रस्पेक्टिव में देखें तो सरकार ने कहा था कि हम जो कॉरपोरेट टैक्स है वो 25% कर देंगे और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है, तो हमें उम्मीद है कि इस बार ये कॉरपोरेट टैक्स 25% सब कैटेगरीज के लिए कर दिया जाएगा। नंबर दूसरा, अभी जो डिमांड है बहुत सब्ड्यूड डिमांड है, फार्म सेक्टर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है इस वक्त में, तो फार्म सेक्टर को सपोर्ट की ज़रूरत है। वो सपोर्ट किस तरीके से सरकार मुहैया कराती है वो देखने की बात है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भी उद्योगपति सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को भी धीरे धीरे खत्म करना चाहिए। जो मैट है, कंपनी के ऊपर मैट बहुत ज़्यादा है, और अगर देखा जाए मैट और टैक्सेशन 25% के बीच में बहुत कम गैप रह जाता है, तो कॉरपोरेट सेक्टर की डिमांड है कि मैट को ग्रेजुअली करते करते इसको निल किया जाए। जमी जमा इंडस्ट्रीज भी चाहती हैं कि अब कॉरपोरेट सेक्टर के जरिए मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार को बजट में बड़े ऐलान करने चाहिए। इस बजट में हम सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ देख रहे हैं कि जो अभी आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर 12% की GST है, उसे घटा के 5% किया जाए। और एक जो हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है थ्री व्हीलर फाइनेंस कराने में, चाहे वो NBFCs हों या नेशनलाइज बैंक्स हों, तो इसे प्रायोरिटी लेंडिंग का दर्जा दिया जाए ताकि व्हीकल को आराम से फाइनेंस मिल सके। इफ़ द गवर्नमेंट इन द करेंट बजट गिव्स अ रिलीफ और सम कंसेशंस ऑफ 5 to 10% इन कॉरपोरेट टैक्सेस, दिस विल हेल्प द कंपनीज टू सेव and generate additional funds which can be utilized in further new projects and expansions which will help in getting the Make in India projects. जानकारों का मानना है कि उद्योग की बेहतर बढ़ोतरी के लिए अलग अलग टैक्स का मौजूदा बोझ घटाना बेहद जरूरी है। कॉरपोरेट सेक्टर और ये शेयर होल्डर जो कंपनी के हैं, वो अपना प्रॉफिट लेने से पहले 50% से ऊपर का टैक्स सरकार को दे देते हैं जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जिसमें 33% के आसपास टैक्स आता है कंपनी का, और उसके बाद आता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का। तो एंट्रीम बजट में कॉरपोरेट सेक्टर देख रहा है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और मैट के अंदर क्या कमी की जाएगी। इस बार के बजट में कृषि और मध्यम वर्ग के साथ ही उद्योग जगत के लिए बड़े फैसले करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनावी साल में लोकप्रिय बजट के साथ ही संतुलित बजट को पेश करने की इस परीक्षा में सरकार कितने नंबर लाती है, ये 1 फरवरी को बजट के ऐलान के बाद ही साफ होगा।